नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। चार जंगली सियार गांव में घुस आने से मचा कोहराम। कानपुर बिल्हौर तहसील के ग्राम पंचायत पिहानी में आज जंगली सियार घुस जाने से गांव में मच गया कोहराम। चारों सियारों ने गांव में घूम घूम कर बच्चों को काटा और बच्चे हुए घायल। चार बच्चे रुस्तम, अजीज, सोनू, अंसार को काटा हुए घायल। ये सभी बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। सियार ने बेरहमी से काटा, जिनको चारों बच्चों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिसमें एक सियार और कुत्ते की मुठभेड़ हुई, जिसमें सियार एक घायल होकर दम तोड़ दिया। सुशील पांडे की रिपोर्ट। यहाँ पे क्या अभी माजरा हुआ आपके साथ गांव में? थोड़ी देर पहले देखा गया, हमारे गांव में तीन चार जंगली जानवर आ गए, चार पांच लोगों को काट दिया, एक बकरी को काट लिया, घायल कर दिया बेरहमी से, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, एक को भी मार दिया गया है जानवर को। अच्छा, तीन चार और है, सुनवाई आ रही है कि तीन चार और है, खेतों में रहने वाले लोगों ने देखा है तो उनका पीछा किया जा रहा है। लड़के लाठी लेके डंडे लेके दौड़ रहे हैं, लोग भी दौड़ रहे हैं, आदमी औरतें भी परेशान है काफी, बकरी चलाने वाले भी परेशान है जी। इससे काफी तबाही मोहल्ले में गांव में मच गई है, इससे पूरा गांव परेशान है, आसपास के लोग भी परेशान है जिनको खबर मिल रही है। ऐसा कभी पिछली एक बार हुआ ऐसा? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ है। पहले मतलब जानवर आते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी हमला किया हो, क्योंकि सियार छोटा जानवर माना जाता है, इस वजह से ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब की बार ये देखने को मिल रहा है कि वो लोग हमला कर रहे हैं सियार। हाँ, तो यही बस देखने को मिल रहा है, ऐसे काफी परेशान है, बच्चे भी परेशान है जो यहाँ मतलब खेतों में बकरी चराते हैं,